आप देख रहे हैं SDN News, मुद्दे की बात आपके साथ। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हुए समाज के हित में काम कर रहा है। अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सूखा राशन वितरण से लेकर सैनिटाइजर के छिड़काव तक किए जा रहे हैं। पूर्णिया के वार्ड संख्या 11 में समाजसेवी ललनेश सिंह द्वारा हर घर जाकर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ललनेश खुद से मशीन को कंधे में उठाए मंदिर परिसर में छिड़काव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वार्ड में करीब 1500 मकान है जिसे सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी उठाई है। इस छिड़काव में सैनिटाइजर और सोडियम हाइपोक्लोराइट का मिश्रण किया गया है। ललनेश ने इससे पहले हजारों असहाय परिवारों को सूखा राशन भी बांटा है। कहते हैं जब तक ये स्थिति रहेगी वो हर संभव समाज के लिए करते रहेंगे। आज हमने निर्णय लिया कि कोरोना बीमारी का जिस तरह से बढ़ोतरी हो रहा है, पूर्णिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हमने निर्णय लिया कि नहीं, डोर टू डोर लोगों के सेफ्टी के लिए सैनिटाइज होना चाहिए। और हमने शुद्ध सैनिटाइज जो है तो लिक्विड के साथ हम डोर टू डोर पूरे वार्ड नंबर 11 में पहले करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगल बगल भी और जगह है, लेकिन पहले पूरे वार्ड नंबर 11 को पूरा करके फिर हम अगल बगल वार्ड में देखेंगे। अच्छा, इस सैनिटाइजेशन में क्या क्या मिलाया है, लिक्विड क्या है? ये लिक्विड है, आपको सोडियम एक है लिक्विड है, और उसके बाद एक सैनिटाइजर है, दोनों को मिला के उसका छिड़काव किया जा रहा है। तकरीबन कितने घर होंगे आपके वार्ड में जहाँ छिड़काव करेंगे? लगभग 1500 घर।